हेलो एवरीवन वेलकम टू माइंड्रेड भाई मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस सो इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं तो यार इस वीडियो में हम देखने वाले अबाउट लिस्ट ऑपरेशंस और हम कवर करने वाले इस बार स्लाइसिंग पार्ट टू स्लाइसिंग के ऊपर एक वीडियो मैंने पहले बना रखी है ठीक है जिसमें हमने काफ़ी सारे डिटेल में डिस्कशन किया था एक बेसिक स्लाइसिंग के ऊपर कि कैसे आप स्लाइस कर सकते हो लिस्ट को स्लाइसिंग होती क्या है कैसे कर सकते हो बेसिक ऑपरेशंस, क्या क्या है क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो सब हमने डिस्कस कर रखा है इसके पार्ट वन में

उसमें हम देखने वाले हैं स्लाइसिंग फॉर पार्ट टू ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं कि क्या है यार इसमें ठीक है सो टिल नाउ वी हैव स्लाइसड अ लिस्ट बट द एलिमेंट्स वर कंसेक्यूटिव व्हाट इफ वी वांट टू स्टेप बिटवीन एलिमेंट्स क्या मतलब वो इस चीज का तो यार देखो सिंपल सी कहानी ये है कि हमारे पास सपोज एक लिस्ट है सपोज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है अब अगर मुझे इसको स्लाइस करना है तो मैंने क्या कहा कि अगर ये लिस्ट है तो L को क्या करो स्लाइस कर दो इंडेक्स के हिसाब से ये दो वन से लेके वन से लेके कहा तक वन से लेके सिक्स तक स्लाइस कर दो ठीक है तो वन से सिक्स तक स्लाइस कर दो ठीक है अब होगा क्या इसका रिजल्ट इसका रिजल्ट आएगा कि फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा टू ठीक है फिर टू से थ्री थ्री से फोर फोर से फाइव फाइव से सिक्स और ये वाला इंक्लूड नहीं होगा एक्चुअली तो यहीं पे कट जाएगा लिस्ट अब यहां पे एलिमेंट्स है कि भाई कंजिकेटिव है टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां पे कंजिकेटिव एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ठीक है तो ये हम पढ़ चुके हैं ये हम पार्ट वन में देख चुके हैं कि किस तरीके से आप स्लाइसिंग कर सकते हो और इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है वो सब हम देख चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा गईस तो एक बार जाके देखिए उस सबको चीजें क्लियर होंगी ठीक है अब ये हम देख चुके कि ऐसे ऐसे हो जाएगा ठीक है अब हमें ये और डिटेल डिस्कशन करना है कि वॉट इफ हमें ये कंजेकेटिव एलिमेंट चाहिए ही नहीं हमें ये कंजेटिव एलिमेंट चाहिए ही नहीं हमें क्या चाहिए हमें कुछ स्टेप के साथ चाहिए जैसे हो सकता है चाहिए हो आपको, two, four और six चाहिए हो हो आपको सकता है दो स्किप करके चाहिए हो टू के बाद five, five के बाद फिर स्किप करके दो चाहिए हो तो उस सिचुएशन में क्या करें वो हमें यहां पे देखना है ठीक है सो पाइथन गिव्स अस वन मोर ऑप्शन फॉर लेस स्लाइसिंग विद स्टेप तो पाइथन हमें एक और ऑप्शन देता है जिससे आप स्लाइसिंग कर सकते हो स्टेप स्पेसिफाई करते हुए ठीक है स्टेप आपको स्पेसिफाई करना है स्टेप आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितने एलिमेंट्स आपको बीच में स्किप करने हैं जैसे रेंज फंक्शन में हम लोग करते थे वो आप यहां पे कर सकते हो कैसे कर सकते हो वो देखते हैं चलिए ठीक है तो फॉर स्लाइसिंग विद स्टेप स्टेप के साथ ठीक है तो सपोज वी हैव अ लिस्ट एल हमारे पास वही अगेन लिस्ट एल है ठीक है बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर ठीक है सो वी कैन ऑल्सो स्लाइस द लिस्ट यूजिंग द फॉलोइंग फॉलोइंगटेक्स तो हम स्लाइस कर सकते हैं लिस्ट को एक और मेथड से जो ये ठीक है तो हमें करना क्या है देखो तो बहुत सिंपल सी कहानी हमें करनी है क्या सपोज हमारे पास हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड सपोज ठीक है वी नोज ये जीरो इंडेक्स है फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है फोर्थ है माइनस वन है माइनस टू है माइनस थ्री है माइनस फोर है माइनस फाइव है, है एक बात नोट करके चलिएगा कि आप पॉजिटिव और निगेटिव इंडेसिंग दोनों ही यूज कर सकते हैं ठीक है अब इसमें आपने स्लाइसिंग देखा स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो बट हमारे पास एक नया फीचर है कि अब आप क्या कर स्लाइस तो कर सकते हो आप यहां मेंलन फिर मैंशन करो स्टॉप फिर लगाओ कॉलन और फिर मैंशन करो स्टेप

इंक्लूड करना है मुझे तो मैंने यहाँ पे फाइव डाल दिया मतलब लास्ट तक इंक्लूड हो जाएगा पर मुझे अब ये कंजिकेटिव नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए कि टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड चाहिए मुझे नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए कि यार ऑल्टरनेट एलिमेंट्स मिल जाए मतलब एक एक स्किप होके ठीक है तो एक 200 से शुरू हो फिर 200 के बाद 400 चाहिए और फिर एक स्किप होके चाहिए तो मतलब सिर्फ दो ही इलेमेंट चाहिए 200 और 400 हंड्रेड सपोज ठीक है क्योंकि अगर नेक्स्ट स्किप मारोगे तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा ही नहीं ठीक है सिक्स थोड़ी मिलेगा तो मुझे टू हंड्रेड चाहिए तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे मैं कर सकता हूँ स्टेप

स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक हर बार एक एक एलिमेंट स्किप हो जाएगा मतलब टू हंड्रेड के बाद फोर हंड्रेड आएगा फोर हंड्रेड के बाद कुछ नहीं मिलेगा अगर मैंने यहां पे थ्री डाल दिया तो क्या होगा तो आपके जो है टू एलिमेंट स्किप हो जाएंगे मतलब थ्री माइनस वन विच इज टू टू एलिमेंट स्किप हो जाएंगे मतलब टू हंड्रेड के बाद सीधा आ जाएगा क्या फाइव हंड्रेड तो ये स्टेप मेंशन करके आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि बीच में कितने एलिमेंट्स आपको स्किप कर ठीक है

ठीक है तो जैसे मैंने आपको बताया वो चीज ये चीज प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा तो आपको चिंता नहीं करनी है ना प्रैक्टिकली सारी सिचुएशन ये ये दिखाई जाएगी आपको उस चीज का कुछ चिंता नहीं करनी है बस ये देखना है बस देखना कि किस तरीके से आप ये स्लाइसिंग कर सकते हो राइट right? चलो अब आगे नेक्स्ट क्या सिचुएशन तो नेक्स्ट सिचुएशन है सम पॉइंट्स टू नोट क्या है सो एनी ऑफ द थ्री वैल्यूज दैट इज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप मस्ट बी एंटेजर्स और नॉन आपकी जो स्टार्ट है स्टॉप है, 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 है स्टेप है और यह एक इंडेक्स मेथड भी हो सकता है ठीक है पर यही तीन पॉसिबिलिटीज है इसके अलावा अगर आप कुछ भी डालोगे तो आपको क्या मिलेगा तो आपको एरर देखने को मिलेगा ठीक है अदरवाइज विल थ्रो एन एरर ठीक है और उस एरर से बचने का तरीका यही है कि आप नन डालो या तो खाली छोड़ दो इंडेक्स मेथड डाल दो या डाल दो ठीक yes, well. है इसके बारे में डिस्कशन आगे हम करेंगे अब प्रैक्टिकली तो चीजें दिखाऊंगा आपको ठीक है तो ये आप कर सकते हो ठीक है सो जस्ट लाइक स्टार्ट एंड स्टॉप वी कुड यूज बिगर वैल्यूज फॉर स्टेप ऑल्सो एंड विल एंड दैट विल नॉट थ्रो एरर ठीक है जैसे हमने स्टार्ट स्टॉप के लिए कहा था कि स्टार्ट स्टॉप के लिए हम बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आती है इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो प्रॉपर इंडेक्सिंग देने की जरूरत है पर अगर आपको स्लाइस करना है तो आप बड़ी बड़ी वैल्यूज डाल सकते हो तो फर्क नहीं पड़ेगा जैसे हमने देखा था ना वैसे ही यहां पर स्टेप के साथ भी है कहां पर है स्टेप ठीक है स्टेप के साथ भी है वी कुड यूज बिगर वैल्यूज फॉर स्टेप ऑल्सो एंड दैट विल नॉट थ्रो एनी एरर इससे हमें कोई भी एरर भी देखने को नहीं मिलेगा ये चीज अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मतलब सपोज मेरे पास अगर एक लिस्ट है जीरो वन टू थ्री फोर राइट और यहां पे सपोज मेरा स्टार्ट है और मैंने कहा सीधे हंड्रेड का जंप मारो तो यहां से हंड्रेड तो यार बिल्कुल एलिमेंट ही पास हो जाएंगे पार हो जाएंगे और कहां पहुंच जाएगा पता नहीं ठीक है तो कायदे से मुझे एरर देखना चाहिए तो यार एरर नहीं मिलता स्टेप की भी मैं बड़ी वैल्यूज रख सकता हूं और मुझे स्टार्टिंग एलिमेंट देखने को मिलता है यह चीज मैं भी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा थोड़ा सा जब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हो ठीक है तो थोड़ी सी सिचुएशन अलग हो जाती है तो वो भी देखेंगे ठीक है चलो यहां तो चीजें क्लियर हुई ड पॉइंट पर अगर वाइज स्पेसिफाइंग स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप विद पॉजिटिव वैल्यूज इट शुड बी टेकन केयर द इंडेक्स स्टॉप इज ऑलवेज न्यूमेरिकली ग्रेटर देन द स्टार्ट इंडेक्स ठीक है तो स्टॉप जो है हमेशा जो है स्टार्ट इंडेक्स से बड़ा होना चाहिए अदरवाइज इन एम टी लिस्ट वुड बी रिटर्न ठीक है नॉट रिटर्न एक्चुअली रिटर्न ठीक है ठीक है एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी मतलब क्या है कि जब स्टार्ट स्टॉप और स्टेप की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्टॉप है वो हमेशा राइट right में है स्टेप लेफ्ट में है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ठीक है नेगेटिव में कहानी एक्चुअली थोड़ी सी अलग हो जाएगी सिर्फ पॉजिटिव की कहानी बता रहा हूं मैं यहां पर ठीक है मतलब क्या कि सपोज आपके पास लिस्ट है 10 20 30 40 50 60, like that. सपोज so, आपके पास ऐसी लिस्ट है टेन से लेके सिक्सटी तक ठीक है तो अगर मैं कहता हूं कि इसके इंडेक्स जीरो है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है इस तरीके से जीरो से लेकर फाइव तक अगर इंडेक्स है इसका टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्स का ठीक है तो इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में अगर आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग दे रहे हो ठीक है मतलब मैं एल दे रहा हूं सपोज जीरो से लेके क्या जीरो से लेके फोर तो यहां पे स्पेसिफाई देखिए क्या कर रहा हूं मैं मैं जीरो से लेके फोर तक जब भी दे रहा हूं तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग दे रहा हूं जिसमें आपका जो स्टार्ट है मतलब जीरो लेफ्ट में है और फिफ्टी विच इज फोर वो जो है राइट right में है राइट में है स्टार्ट लेफ्ट में है तो इसीलिए इसके बीच के एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं इफ अगर मेरा स्टार्ट लेफ्ट में पहुंच जाए इस तरीके से मतलब सही राइट में पहुंच जाए स्टार्ट और स्टॉप जो है लेफ्ट में हो इस तरीके से फिर क्या होगा तो तब आपको एक एमटी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी अदरवाइज इन एम टी वुड बी रिटर्न एक्चुअली रिटर्न मतलब मिलेगी मुझे रिटर्न मिल जाएगी रिटर्न में ठीक है आर आर ई टी यू एन रिटर्न में मिल जाएगी ठीक है तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है ठीक है

नॉट स्पेसिफाइड इन जो आपका सिंटेक्स था उसमें अगर आप स्टार्ट स्टॉप स्टेप को स्पेसिफाई नहीं करो तो क्या फिर तो हमने देखा हुआ है पहले भी स्टार्ट स्टॉप को स्पेसिफाई नहीं करते तो चलता है मतलब मैं लिस्ट को इस तरीके से स्लाइस कर सकता हूं ना इस तरीके से स्लाइस कर सकता हूं ठीक है ये क्या करता है डिफॉल्ट ले वैल्यू ले लेता है या मैं सपोज यहां पे कुछ स्टार्ट मेंशन कर दूं ठीक है और फिर ये ब्लैंक छोड़ दूं ये भी चलेगा या फिर अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूं स्टार्ट को और स्टॉप मेंशन कर दूं ये भी चलेगा ठीक है तो ये सब परफेक्टली रन हो जाएंगे राइट ठीक है ये सब अलाउड है इनके भाई बंधु भी अलाउड है मतलब नन भी पास कर सकते हो आप ठीक है ये भी हम देख देख चुके हैं ठीक है यहां नन नन पास कर सकते हो आप ठीक है आप चाहो तो इवन यहां पे स्टार्ट डालो यहां नन डाल दो ये भी चलेगा ठीक है आप इवन क्या करो यहां पर नन डालो और स्टॉप मेंशन कर दो ये भी चलेगा राइट ये सब परफेक्टली रन होगा परफेक्टली चलेगा राइट इज दट पॉइंट क्लियर तो ये चीज परफेक्टली चलेगी दिस इज ऑल राइट ठीक है नाउ द थिंग इज कि इसके साथ अगर आप स्टेप को मिक्स करते हो फिर क्या तो येस यार इसके साथ आप स्टेप को भी मिक्स कर सकते हो आप यहां चाहो तो डबल कॉलन में डाल दो मतलब आपने स्टार्ट भी छोड़ दिया स्टॉप भी छोड़ दिया और स्टेप भी छोड़ दिया बिल्कुल चलेगा डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाएंगी स्टेप की ठीक है ऐसे यहां पर भी आपने नन डाला कॉलन डाला नन डाला कॉलन डाला नन डाला, none डाला ये भी परफेक्टली चलेगा ठीक है इसी तरीके से यहां स्टार्ट में आपने स्टार्ट मेंशन किया अब पॉसिबिलिटीज बहुत सारी आ जाएंगी स्टार्ट मेंशन किया है ना तो अब क्योंकि दो मतलब एक चीज को मिस करना है तीन में से एक चीज को मिस करना है तो हो सकता है आप क्या करो स्टार्ट स्टॉप मेंशन कर दो है ना स्टेप मिस कर दो ठीक है या फिर आप क्या करो इसी में एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आप स्टार्ट मेंशन करो है ना एस टी करता हूँ स्टार्ट के लिए है ना एस पी करता हूं स्टॉप के लिए है ना स्टॉप मेंशन मत करो बट स्टेप मेंशन कर दो ठीक है इसके अलावा क्या कर सकते हो स्टॉप स्टेप मेंशन कर सकते हो दिस दैट इज एज वेल अलाउड कि आप क्या कर सकते हो स्टार्ट को खाली छोड़ दो आप स्टॉप मेंशन कर दो और स्टेप मेंशन कर दो ये भी चलेगा बिल्कुल चलेगा स्टार्ट स्किप कर दो ये भी अलाउड है ठीक है अब यहीं पे आप नन फिल कर दो ये भी अलाउड है ठीक है आप ऐसा भी कर सकते हो कि इनमें से कोई भी एक वैल्यू छोड़ दो है ना जैसे यहाँ पे सर एक वैल्यू लिख दो बाकी दो तो वैल्यू छोड़ दो तो वो भी अलाउड है तो वो सब पॉसिबिलिटीज में आपको दिखाऊंगा ठीक है जो आपने देखी है इसके एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में ठीक है पॉइंट नोट अच्छा इसमें एक चीज ये है कि फर्स्ट कॉलन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टार्ट स्टॉप स्टेप मतलब जब भी आप एल दे रहे हो तो आपको ये कॉलन मेंशन करना एक बहुत जरूरी है ब्लैंक भी छोड़ रहे हो तो एक कॉलन मेंशन करना जरूरी है स्टार्ट स्टॉप के लिए अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे तो यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा अगर आपने ऐसी खाली छोड़ दी तो यहाँ पे एरर देखने को मिल जाएगा आपको ठीक है so, तो दिस इज नॉट अलाउड एक कॉलन तो कंपलसरी की यह डालना ही डालना ठीक है तो फर्स्ट कॉलन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टार्ट स्टॉप स्टेप एंड मस्ट नॉट बी स्किप्ड बट सेकंड कॉलन इज ऑप्शनल ठीक है बट जैसे हमने देखा हुआ है कि ये चलता है और ये भी चलता है ठीक है ये भी चलता है और ये भी चलता है मतलब दो कॉलन डालो आप या एक सिंगल कॉलन डालो फर्क नहीं पड़ता ठीक है उसमें भी डिफॉल्ट वैल्यू ले ली जाएंगे इसमें भी डिफॉल्ट वैल्यू ले ली जाएंगी तो ये सेकंड कॉलन इज सेकंड कॉलन इज व्हाट सेकंड कॉलन इज नॉट कंपल्सरी बट फर्स्ट कॉलन इज वेरी कंपल्सरी ठीक है

नेगेटिव स्टेप स्लाइसेस लिस्ट इन डिफरेंट ऑर्डर ठीक है तो जो नेगेटिव स्टेप है वो स्लाइस कर देता है लिस्ट को डिफरेंट ऑर्डर में किस ऑर्डर में देखते हैं भाई सो वाइल स्पेसिफाइंग नेगेटिव इंडेक्स इट शुड बी टेकन केयर दैट द इंडेक्स ऑफ द स्टॉप इज ऑलवेज न्यूमैरिकली स्मॉलर देन द स्टार्ट इंडेक्स इफ यूजिंग ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग बट इफ यूजिंग अ मिक्स देन दोजीशन ऑफ द स्टार्ट इज ऑलवेज टू द राइट ऑफ स्टॉप अदरवाइज इन एम टी लिस्ट वुड बी रिटर्न ठीक है रिटर्न मतलब रिटर्न ठीक है ठीक है देखो सिंपल सी कहानी क्या नेगेटिव इंडेक्सिंग करता क्या यार नेगेटिव इंडेक्सिंग कहानी को उल्टी डायरेक्शन में लेके जाता है ठीक है कैसे उल्टी डायरेक्शन में लेके आता है वो दिखाता हूं चलो तो जैसे सपोज मेरे पास एक लिस्ट है l इज इक्वल्स टू है ना इसमें है टेन इसमें है ट्वेंटी इसमें है थर्टी इसमें है फोर्टी इसमें है फिफ्टी इसमें है सिक्सटी इसमें है सेवेंटी लाइक दैट ठीक है और ये सपोज ट्वेंटी है ठीक है तो अब आप क्या कह रहे हो कि ये है जीरो इंडेक्स ये है फर्स्ट इंडेक्स ये है सेकेंड इंडेक्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ राइट नेगेटिव में चलूं तो ये हो गया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन ठीक है तो इस तरीके से सिचुएशन चल रही है तो अब मैं इस लिस्ट को स्लाइस कर सकता हूं एल कहीं से भी कहीं तक ठीक है फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है तो सपोज मैंने कहा कि मुझे ट्वेंटी से लेके कर ट्वेंटी से लेके कर सिक्सटी तक स्लाइस करना है ठीक है मुझे ट्वेंटी से लेके मुझे सिक्सटी तक स्लाइस करना है ठीक है तो ये क्या मैं ये चीज कर सकता हूं ये मैं बिल्कुल कर सकता हूं ठीक है ट्वेंटी से लेके मैं सिक्सटी तक बिल्कुल सॉरी ट्वेंटी नहीं मैं मैं वन से लेके मैं फाइव तक बिल्कुल स्लाइस कर सकता हूं बट वो इफ अगर मैंने यहां पे नेगेटिव स्लाइस कर दिया मतलब मैंने अगर यहाँ पे कर दिया माइनस तो क्या होगा तो ये देखो नेगेटिव स्लाइसिंग का मतलब क्या है कि आपकी जो कहानी है वो उल्टी चलने लगेगी ठीक है तो अगर आपने ऐसा मेंशन किया कि आपका स्टार्ट लेफ्ट में है स्टॉप राइट right में है स्टार्ट लेफ्ट में है स्टॉप राइट right में है स्टार्ट आप ट्वेंटी से कर रहे हो नेगेटिव साइज आपको पीछे जाना है कैसे जाओगे नहीं जा सकते ना तो हमेशा आपको ध्यान के रखना है कि जब भी आप नेगेटिव वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हो यहां पे जब भी आप नेगेटिव वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हो तो आपका स्टार्ट वाला लेफ्ट में छोटा नहीं होना चाहिए स्टॉप वाला बड़ा नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए उल्टा होना चाहिए मतलब आपका क्या होना चाहिए कहानी एक तरीके से यहां से स्टार्ट सपोज आपका शुरू हुआ स्टॉप सपोज आपका यहां पे हुआ तो इस तरीके से कहानी होनी चाहिए तो क्या होगा कि 60 से शुरू करोगे आप नेगेटिव इंडेक्सिंग लोग माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री क्या स्पेसिफाई करता है तो माइनस वन स्पेसीफाई करता है माइनस वन स्पेसिफाई करता है कि आपको एक एक इंडिविजुअल एक एलिमेंट पीछे चाहिए ठीक है मतलब यहां पर कुछ माइनस वन नहीं हो जाता सब नहीं होता जो है वो वही सिग्निफिकेंस रहता तो माइनस मतलब एक एक एलिमेंट चाहिए एक 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 भी एलिमेंट स्किप नहीं करना है ठीक है थीके? तो यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो प्लस वन हो जाता है ठीक है तो माइनस वन में प्लस वन किया तो एक भी एलिमेंट स्किप नहीं होना है पीछे चलना है बट मुझे तो सिक्सटी से फिफ्टी फिफ्टी से फोर्टी फोर्टी से थर्टी और लास्ट वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता तो ट्वेंटी इंक्लूड नहीं होगा तो अगर अगर मैं यहाँ पे स्लाइसिंग डाल दू क्या फाइव से लेके वन तक फाइव से लेके वन तक तो फिफ्थ तो एलिमेंट इंक्लूड होगा फिफ्थ एलिमेंट इज वॉट सिक्सटी ठीक है फिर सिक्सटी के बाद आप पीछे आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा फिफ्टी फिर पीछे जाओगे तो मिल जाएगा मिलेगा क्या नहीं, भाई, नहीं होता स्टॉप ठीक है तो इसलिए नोट में भी लिखा हुआ था तो ये ट्वेंटी आपको नहीं मिलेगा और ये लिस्ट फाइनली आपको मिल जाएगी समझ में आया ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसी में माइनस टू डाल देता तो क्या होता तो भाई वही कहानी होती प्लस वन करते तो माइनस वन आ जाता तो माइनस वन का गैप मतलब एक एक एलिमेंट स्किप करके पीछे चल रहे होते हम मतलब सिक्सटी से अगर मैंने शुरुआत करी होती तो सिक्सटी इंक्लूड होता फिर एक एलिमेंट मिस करके फोर्टी पे आता फिर एक एलिमेंट स्किप करके नेक्स्ट कुछ एलिमेंट बचता ही नहीं तो ये कैंसिल हो जाता तो सिर्फ सिक्सटी और फोर्टी आंसर आ जाता ठीक है तो इस तरीके से माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर में एक एक एलिमेंट स्किप होगा मतलब एक एक माइनस होगा माइनस टू किया तो एक एलिमेंट स्किप होगा माइनस थ्री तो दो एलिमेंट माइनस थ्री तो सॉरी माइनस फोर तो तीन एलिमेंट इस तरीके से चलेगा पर नेगेटिव डायरेक्शन में पीछे जाते रहोगे साथ में अगर आपने जो पहली वाली कंडीशन थी मतलब अगर आपने ये उल्टा नहीं किया

पॉजिटिव इंडेक्सिंग में देखी हुई है ठीक है तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा ऑल तो मैं अभी आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ठीक है? तो वो आपको चिंता करनी नहीं है ठीक है तो वो सब चीज आपको दिखाई जाएंगी क्लियर है चलो इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या है is, अच्छा, यहां पे थोड़ी सी कहानी हो जाती है कि यहां पे डिफॉल्ट वैल्यूज या लेंथ और जीरो नहीं रहता ठीक है क्योंकि कायदे से अगर आपको लिस्ट रिवर्स करना है सपोज एल आपकी ये है ठीक है एल क्या है आपका टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी और फिफ्टी है सपोज ठीक है आपने कहा कि लिस्ट को रिवर्स कर दो ठीक है आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया यहां पे ठीक है और यहां पे आपने मेंशन कर दिया माइनस वन मतलब क्या है कायदे से क्या हो रहा है कि इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज आ जा जानी चाहिए आपके हिसाब से ठीक है स्टार्ट स्टॉप तो स्टार्ट इज जीरो स्टॉप इज 50 माइनस वन का गैप है तो क्या होना चाहिए एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हो जानी चाहिए अभी बताया मैंने आपको कि ब्रैकेट्स रिवर्स होते हैं पर भाई यहां पे जो जो आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज है वो डिफरेंटली बिहेव करती है मतलब यहां पे एक्चुअली कहानी ऐसी नहीं होगी यहां पे कहानी क्या होगी यहां पे कहानी होगी इस तरीके से ठीक है और वो भी ये भी इंक्लूडेड नहीं होगा यहां तक इस तरीके से मतलब क्या होगा इस कंडीशन में आपका क्या होगा कि आप इस कंडीशन में 50 से शुरू करोगे नेगेटिव इंडेक्स पीछे चलोगे 40 लोगे 40 से पीछे चलोगे 30 आएगा 30 से पीछे चलोगे 20 आएगा 20 से पीछे चलोगे 10 आएगा ठीक है अगर आपने ये स्पेसिफाई किया इससे आपको एक रिवर्स लिस्ट देखने को मिल जाएगी जो मैं भी आपको दिखाऊंगा तो वो आपको चिंता करनी नहीं ठीक है

लिस्ट स्लाइसिंग कैन बी यूज टू मॉडिफाई लिस्ट और इवन डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट तो एक एलिमेंट मतलब कुछ एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए समझेंगे ना आगे कुछ आने वाली में इनको हम कवर करेंगे डिटेल में सारी पॉसिबिलिटीज ठीक है साथ में कंकैटिनेटिंग स्लाइस लिस्ट लिस्ट कैन बी क्रिएटेड और इवन प्री एग्जिस्टिंग लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड ठीक है मतलब स्लाइसिंग को स्लाइसिंग को कंकैटिनेशन के साथ मिला के आप क्या कर सकते हो आप एक नई लिस्ट बना सकते हो और इवन आप क्या कर सकते हो प्री एग्जिस्टिंग लिस्ट दोबारा से भी मॉडिफाई कर सकते हो ठीक है थीके? तो ये सब हमने एक्चुअली टूल्स गैदर कर लिए कंकैटिनेशन और स्लाइसिंग के इन सबको हम आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन में इस फॉर्म में जो मैंने यहां लिखा हुआ है है ना मतलब स्लाइसिंग को इन सबके साथ मिक्स भी करा जा सकता है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोज में देखेंगे इस वाले पार्ट में तो पहले यार स्लाइसिंग को प्रॉपरली डिटेल में समझ लें ठीक है आई होप यहां तक आपको स्लाइसिंग समझ में आ गया होगा थेटिकली ठीक है प्रैक्टिकली चीजें भी करानी बची हैं तो आइए चलिए मेरे साथ फटाफट में कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरीके से आप लिस्ट को स्लाइस कर सकते हैं ठीक है चलिए ओके गाइस, सो अब आगे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखने वाले अपने स्लाइसिंग का पार्ट टू जिसमें हम देखेंगे कि अगर हम स्टेप स्पेसिफाई कर दें तो क्या होता है ठीक है तो कुछ नहीं करूंगा यहां एक नया फोल्डर बनाऊंगा सबसे पहले जिसको मैं नाम दूंगा अगेन स्लाइसिंग सॉरी स्लाइसिंग और आ, मैं दूंगा उसको पार्ट टू नाम या पार्ट टू कहते हैं विद स्टेप विद स्टेप है ना तो ये स्लाइसिंग विद स्टेप ठीक है तो हम स्लाइस कर रहे हैं स्टेप के साथ तो इसके अंदर मैं फोल्डर के अंदर वी कोड ओपन कर लूंगा फिलहाल ठीक है वी कोड मैंने ओपन कर लिया इस फोल्डर के अंदर एंड इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम लेट इट ओपन ओके ये ओपन हो गया इसको बंद कर देते हैं वी डोंट नीड दिस इसको मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे यहाँ से बंद कर दिया इसको और यहाँ एक नया फाइल बना लूंगा ठीक है जिसका नाम होगा पाइथन अंडर स्कोर फाइल डॉट पी ठीक है तो ये पाइथन फाइल डॉट पी बन गई अब इसके अंदर हमें बनानी है लिस्ट ठीक है तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा एक लिस्ट विच इज कैपिटल इज इक्वल्स टू है ना और इस लिस्ट में एलिमेंट्स डाल दूंगा फिफ्टी से लेके ठीक है सो फिफ्टी कॉमा वन फिफ्टी कम टू फिफ्टी कॉमा थ्री फिफ्टी कमा फोर फिफ्टी कॉमा फाइव फिफ्टी कम सिक्स फिफ्टी कम सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन फिफ्टी दैट्स ऑल ठीक है तो यहां तक मैंने एलिमेंट्स इसमें बना दिए इसकी इंडेक्सिंग देख लेते हैं यार इंडेक्सिंग कैसी है इसकी इंडेक्सिंग देख रहे हैं अपन ठीक है और कमेंट भी साइमल्टेनियसली कर ही देता हूँ ठीक है चलो तो ये हो गया जीरो थे इंडेक्स पे राइट ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स पे ये हो गया सेकंड इंडेक्स पे ये हो गया थर्ड इंडेक्स पे ये हो गया फोर्थ इंडेक्स पे हो गया फिफ्थ इंडेक्स पे ये हो गया सिक्स इंडेक्स पे ये हो गया सेवेंथ इंडेक्स पे ये हो गया एट इंडेक्स पे ये हो गया नाइन्थ इंडेक्स पे ठीक है अब अगर इसी में नेगेटिव इंडेक्सिंग करूंगा तो वो देखते हैं तो नाइन मतलब टेन से शुरू कर सकते हैं माइनस so, नाइन फिर माइनस एट माइनस सेवन माइनस सिक्स ठीक है, तो ये आपकी इंडेक्सिंग हो गई पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो गई नेगेटिव इंडेक्सिंग हो गई राइट right? तो अब आगे बढ़ते हैं अब इंडेक्सिंग के हिसाब से हम इसमें करने वाले हैं क्या स्लाइसिंग बट विद स्टेप तो अभी तक हमने नॉर्मल स्लाइसिंग क्या देखी है हमने नॉर्मल स्लाइसिंग देखी है कि आप क्या कर सकते हो एल डाल सकते हो उसकी जो भी आ, स्टार्ट है स्टॉप डाल सकते हो और उससे आपको जो है इसमें से एक पार्ट मिल जाएगा लिस्ट का और वही पर्टिकुलर एक, एक नई लिस्ट बन जाएगी जिसको आप यूज कर सकते हो ठीक है बट अब हम नया कुछ देखने वाले हैं कि वट इफ अगर हम इंडेक्स स्पेसिफाई कर दें ठीक है तो सबसे पहले तो जो मैं इंडेक्स स्पेसिफाई करूँगा वो करूँगा वन और उससे देखेंगे कि क्या होने वाला है ठीक है तो मैं यहाँ पर फिलहाल डालने वाला हूँ अच्छा पहले इस प्रिंट इसको इस इस लिस्ट को प्रिंट भी कर लेते हैं मतलब ओरिजिनल प्रिंट भी डाल देते हैं क्योंकि वो हमें बार बार जरूरत पड़ेगी है ना ओरिजिनल ओरिजिनल लिस्ट ठीक है ये ओरिजिनल लिस्ट हो गया और इसमें हम एल को प्रिंट कर देंगे राइट right? और फिर नेक्स्ट में डाल दूंगा कि हमें एक नई लिस्ट बनानी है ठीक है एक नई लिस्ट बनानी है तो एल अंडर न्यू बना दूंगा मैं एल सीक्वल्स टू अब बार बार हम यही क्रिएट करते रहेंगे अलग अलग तरीके से तो जैसे सबसे पहले मैं क्या करूंगा एल इज नहीं हमें स्लाइस करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट डाल स्लाइटिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर डाल दिए स्क्वायर ब्रैकेट अब इसमें हम डालने वाले जीरो से लेके जीरो से लेके नाइन तक मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक्चुअली नाइन नहीं मुझे टेन डाल देना चाहिए जीरो से लेके टेन तक स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमें प्रिंट करना है बट विद इंडेक्स वन सॉरी नॉट इंडेक्स बट विद स्टेप वन ठीक है तो स्टार्ट स्टार्ट डाल दिया स्टॉप डाल, डाल दिया और ये इंडेक्स डाल दिया वन हमने तो अब इससे अगर मैं चाहूं तो देखते हैं कि क्या प्रिंट होगा तो अब इससे मैं डाल दूंगा एक नई प्रिंट मतलब प्रिंट डाल दूंगा नया क्योंकि हमें न्यू लिस्ट प्रिंट करनी है तो मैं डाल दूंगा न्यू लिस्ट ठीक है डैश स्पेस और यहाँ डाल दूंगा अंदर डाल दूंगा कॉमा करके विच इस कैपिटल एल और अंडर स्कोर न्यू ठीक है सो दैट इज आई एम ट्राइंग कि क्या होगा इस सिचुएशन में ये देखते हैं

कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया था हमने ब्लैंक छोड़ दिया था तो उस सिचुएशन में क्या हुआ था उस सिचुएशन में यही हुआ था कि आपका ये स्टेप वन ले लिया गया था बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया गया था ये वन ले लिया गया था ठीक है तो उस चीज का ध्यान रखिएगा अब इसी को मैं क्या करूंगा इसी को बार कॉपी करूंगा कमेंट आउट भी करूंगा और इसमें फिर अलग अलग वेरायटी अपन चेक करने वाले हैं फिलहाल ठीक है तो जैसे वन तो हम चेक कर चुके अब लेट सी वट हैपन्स इफ यू इट विद टू अगर मैंने इसमें टू प्रोवाइड कर दिया तो क्या होगा ठीक है सो लेट सी वट विल हैपन ठीक है तो अब मैंने टू प्रोवाइड कर दिया ठीक है अब टू का क्या मतलब है वो देखिएगा तो वाले में क्या है? देखो, 50 से, से गए सिक्स फिफ्टी पे सिक्स फिफ्टी तो आ गया फिर सिक्स फिफ्टी से गए एट फिफ्टी 650 पे एट 650 पे, 650 फिफ्टी आ गया मतलब कि आप जो भी एन स्पेसिफाई कर रहे हो मतलब यहाँ पे जो है, जो भी आप उसका माइनस वन एलिमेंट स्किप हो जा रहा है मतलब हमने जीरो से शुरुआत करी मतलब फिफ्टी से शुरुआत करी हमने फिफ्टी से शुरुआत करी और हम टू जो लास्ट में लिखा हुआ है टू उसमें से वन माइनस किया तो जो बचा उतने स्किप करते जा रहे तो 50 से गए, से फिफ्टी से हम आ गए आगे से टू फिफ्टी 650 650 से हम आंसर ऑन और नाइन फिफ्टी इंक्लूड ही नहीं हुआ क्योंकि वो लिस्ट में ही नहीं आया तो देखो नाइन फिफ्टी इंक्लूड ही नहीं हुआ मतलब क्या हो रहा है कि जो भी स्टेप आप स्पेसिफाई कर रहे हो उसका माइनस वन स्टेप मतलब एलिमेंट स्किप हो जा रहा है बार बार समझ में आया जैसे हमने यहाँ पे देखा अब ये फर्क नहीं पड़ता आपने स्टार्ट और स्टॉप क्या डाल रखा है स्टार्ट और स्टॉप कुछ भी डालो वो ऐसा ही होगा जैसे सपोज अगर मैं टेन डालने के बजाय या जीरो डालने के बजाय अगर मैं डाल डालू सपोज मैं टू से स्टार्ट कर रहा हूं तो टू से स्टार्ट करके मैं सपोज जा रहा हूं राधर देन टेन में जा रहा हूं एट तक सिर्फ ठीक है और स्टेप अगेन वही वन नहीं है टू है ठीक है स्टेप टू है। तो क्या होगा देखो तो वही सिचुएशन होगी है ना बट शुरुआत टू से होगी तो ये आपका जीरो एलिमेंट है ये फर्स्ट है है ना ये सेकेंड अब सेकंड से शुरुआत हुई और अब कहां तक जा रहे हो एट तक जा रहे हो एट माइनस वन मतलब सेवन तक जा रहे हो तो ये लास्ट नाइन था ये एट था तो हम सेवन फिफ्टी तक जा रहे हैं तो टू फिफ्टी सेवन फिफ्टी जा रहे हैं और टू टू का स्किप ले रहे हैं टू मतलब टू का स्किप नहीं ले रहे टू स्टेप हमने स्पेसिफाई किया मतलब वन वन का स्किप प्लेयर है तो टू फिफ्टी से फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी से सिक्स फिफ्टी और बस भाई रुक जाओगे तो 250 से 450, 450 से 650 और रुक गए तो जो भी आपने एन स्पेसिफाई किया है माइनस वन स्टेप्स हम लेते हैं इसे सभी आपने देखा यहां पे समझ में आया अब जैसे देखो यहां पे जो चीजें देखी टू के लिए क्या वही सिचुएशन थ्री के लिए भी है तो वो देख लेते हैं तो जीरो से जीरो से नहीं चलो टू से स्पेसिफाई करते है ना टू से थ्री तक मैं जा रहा हूँ सॉरी टू से टेन तक मैं जा रहा हूँ लास्ट एलिमेंट तक जा रहा हूँ ठीक है और मैं स्टेप्स ले रहा हूँ कितने थ्री के स्टेप्स ले रहा हूँ मतलब थ्री के स्टेप ले रहा हूँ बट स्किप कितने एलिमेंट्स करने वाला हूँ टू एलिमेंट स्किप करने वाला ठीक है लेट्स सी तो देखो 50 से नहीं 50 से नहीं 2 डाला है तो जीरो वन टू टू से स्टार्ट होके लास्ट तक हम गए हैं 950 तक स्किप कितने का किया है दो दो एलिमेंट्स का स्किप किया सो so, टू फिफ्टी सबसे पहले देखो 250 फिफ्टी आ गया फिर टू फिफ्टी में दो का जंप मारा मतलब 350 और 450 को स्किप मारा और 250 से जीरो जंप मारा कहाँ पे 550 पे तो नेक्स्ट एलिमेंट देख लो 550 है फिर 550 के बाद फिर से दो एलिमेंट्स का स्किप मारा फिर जंप मारा सीधे एट पे तो लास्ट एलिमेंट क्या है एट है उसके बाद फिर गैप है

वन टू थ्री डाल सकते हैं विद एनी नंबर ऑफ इंडेक्सिंग स्टार्ट स्टॉप कुछ भी डाल सकते हैं ये प्रॉपरली डाल सकते हैं क्या हम यही काम यही काम डेसिमल वैल्यूज के साथ भी कर सकते हैं तो वो देखते हैं यार मतलब हमारा बाकी सब तो नॉर्मल है ही बाकी सब तो नॉर्मल है ही पर क्या हम ये जो स्टेप है ये स्टेप हम क्या डेसिमल डाल सकते हैं तो वो देखते हैं तो सपोज मैंने यहाँ पर टू पॉइंट फाइव देखने डाल, डाला ठीक है तो टू पॉइंट फाइव अब यहाँ पे गैप डाल दूंगा क्योंकि अलग चीज़ हम चेक कर रहे हैं तो 2.5 अगर मैंने डाला तो क्या ये सही प्रॉपरली वर्क करेगा तो लेट्स सी भाई तो एरर आ गया भाई क्या एरर आया वो देखना सो स्लाइस इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर्स और नॉन और हैव एन इंडेक्स मेथड ठीक है रादर देन हैविंग दिस फ्लोट नंबर जो आपने फ्लोट नंबर डाल दिया दैट इज नॉट अलाउड मतलब टाइप एरर आपको देखने को यहां पे मिल जाएगा ठीक है अब टाइप एरर क्यों देखने को मिला क्योंकि आपने यहाँ पे आपका नहीं क्या भाई? हमें क्या चाहिए बजाय आप और क्या डाल सकते हो आप इंडेक्स मेथड भी डाल सकते हो इंडेक्स मेथड अभी हम आगे देखेंगे इंडेक्स मेथड क्या होता है ठीक है मेथड है इंडेक्स निकालने का तो वो हम देखेंगे आगे तो आई होप यहां तक चीज आपको समझ में आई होगी राइट

नहीं भाई ये भी नहीं चलेगा ये भी उसी में वही स्लाइस इंटीजर्स नन और इंडेक्स मेथड नॉट फ्लोट तो ये 9.5 भी नहीं चलेगा 2.5 जैसे नहीं चल रहा टू 9.5 भी नहीं चलेगा अब जैसे ये नहीं चलेगा वैसे ही क्या नहीं चलेगा वैसे ही आपका स्टार्टिंग में भी नहीं चलेगा मतलब आप स्टार्टिंग में भी नहीं कर सकते तो सपोज अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं स्टार्ट लास्ट वाले को ऐसे छोड़ देता हूँ और उसको कर देता हूँ जीरो पॉइंट फाइव तो क्या ये चल जाएगा नहीं भाई ये भी नहीं चलेगा ठीक है इसमें भी स्लाइस इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर्स और नन और हैव एन इंडेक्स मेथड ठीक है इसमें भी आपको टाइप एरर देखने को मिलेगा इवन अगर आपने सारे ही वो दे दिए तो आप सोच रहे हो कि यार सर जीरो पॉइंट फाइव से टेन पॉइंट फाइव जा रहे हैं या नाइन पॉइंट फाइव जा रहे हैं और पॉइंट फाइव का स्किप मार रहे हैं या टू पॉइंट फाइव का स्किप मार रहे हैं तो चलना चाहिए ठीक है मतलब अगर सपोज आप ये कहो मुझसे सर हम एक काम करते हैं हम जीरो पॉइंट फाइव से शुरुआत करते हैं ठीक है नाइन पॉइंट फाइव तक जाते हैं और पॉइंट फाइव का स्किप मारते रहते हैं तो ये तो पर चलना चाहिए यार इसमें थोड़ी कोई दिक्कत हम पॉइंट पॉइंट फाइव का स्किप कर रहे हैं जीरो पॉइंट फाइव से शुरुआत किया फिर पॉइंट फाइव किया वन आ गया इस तरीके से चलते जाओ चलेगा नहीं भाई अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप एक्चुअली गलत सोच रहे हो रीजन क्या है आप इंडेक्स के लेवल पर नहीं सोच रहे हो ओके सॉरी डी बक कर दिया मैंने गलती से ओके तो आपको फिर से वही टाइप देखने को मिलेगा कि ये भी अलाउड नहीं है रीजन क्या आप इसको इंडेक्स लेवल पे नहीं जाके सोच रहे हो इंडेक्स सोचो ना नेगेटिव या डेसिमल वैल्यूज में हो सकता है कि इंडेक्स नहीं हो सकता ना तो वही आपको पे देखने को मिलेगा भले ही आप कैसे भी करो तो इस भावनाओं में मत बह जाना कि जीरो से शुरुआत कर रहे हैं नाइन तक जा रहे हैं जीरो पॉइंट का स्किप कर रहे तो परफेक्टली चलना चाहिए इन भावनाओं में मत बहना ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना तो टाइप एरर आपको देखने को मिला है आई होप आपको ये टाइप एरर समझ में आया है और ये चीज ध्यान रखना ठीक है

है ना तो ये चीज देखते हैं तो जैसे हमने लास्ट में देखा था यार नहीं आया था, था तो यहां पर भी आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा और ये परफेक्टली चलेगा देखो तो परफेक्टली चल गया बट जब भी आप स्पेसिफाई नहीं करते तो होता क्या है जब आप स्पेसिफाई नहीं करते तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ले ली जाती है तो जैसे अगर मैं कहूं फिलहाल स्टार्टिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है स्टार्टिंग की डिफॉल्ट वैल्यू है जीरो लास्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है लेंथ प्लस वन जो भी लेंथ है उसमें प्लस वन करके तो जैसे यहां पे लेंथ क्या है यहां पे लेंथ क्या है आपकी टेन है राइट right? तो अभी आपको दिखाता हूँ समझ में चाहिए कितने है देखो जीरो सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन एलिमेंट्स राइट टेन एलिमेंट्स है तो टेन एलिमेंट्स जो आपके है तो अगर आपको इसको स्लाइस कर रहा हूँ तो टेंथ एलिमेंट तक मैंने स्लाइस कर दिया मतलब लास्ट तक इंक्लूड होगा पर स्टार्टिंग मैंने कुछ भी नहीं डाली तो स्टार्टिंग आपकी जीरो ले ली जाएगी तो जीरो फिफ्टी से शुरुआत करके वन वन का स्किप कर रहे हैं तो फिफ्टी से टू फिफ्टी टू फिफ्टी से फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी से सिक्स फिफ्टी सिक्स फिफ्टी से एट फिफ्टी एंड सो ऑन और फिर आगे तो आपको कुछ मिला ही नहीं तो वो आएगा ही नहीं तो एट फिफ्टी तक ही आ जाएगा समझ में आया अब जैसे आपने यहाँ पे इस तरीके से किया है कि आप ये स्किप कर सकते हो क्या मैं लास्ट वाले को भी स्किप कर सकता हूँ तो ये लास्ट वाले को भी आप स्किप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है आप चाहो तो इसको जीरो स्पेसिफाई कर दो या सब इसको वन स्पेसिफाई कर दो और इसको मैं खाली छोड़ ठीक है तो इसको मैं खाली छोड़ दूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई यहां पे लास्ट इंडेक्स आ जाएगा लास्ट इंडेक्स मतलब एक तरीके से आपका लास्ट वाला क्योंकि इंक्लूड करवाना तो लेंथ प्लस वन देखो जैसे कि क्या है अब आपने कहा कि आपको लास्ट एलिमेंट तक पहुंचना मतलब ये तक इंक्लूड करना है उनको ठीक है तो अब इसकी इंडेक्सिंग क्या है इसकी इंडेक्सिंग है नाइन तो अब इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी आपकी इंडेक्सिंग हो जाएगी इज टू द लेंथ ठीक है तो वहां पे एक तरीके से बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी यहां पर आ जाएगी लेंथ की वैल्यू सच दैट कि आपके सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाए तो वन से लेके आप कहां तक जा रहे हो आपने वन तो स्पेसिफाई कर दिया लास्ट स्पेसिफाई नहीं किया तो लास्ट आपका ये पूरा आखिरी तक स्पेसिफाई हो जाएगा ठीक है तो आखिरी तक प्रॉपरली पूरा स्पेसिफाई इसका हो जाएगा समझ में आए बात क्या चीज क्लियर है क्लियर है ओके तो अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे अगर मैं सपोज वन का नहीं टू का स्किप रखता हूं तो लेट्स सी कि क्या होगा क्या परफेक्टली चलेगा येस भाई ये परफेक्टली चलेगा पर अब ये 50 से शुरुआत नहीं करके वन 150 से शुरुआत कर रहे हो लास्ट तक जा रहे हो आखिरी तक जा रहे हो लास्ट लेट मतलब कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट आपकी क्या ले लेगा वो आखिरी में यहाँ पे क्या ले लेगा जो आपने लास्ट स्पेसिफाई किया तो अगर आपने कुछ भी स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं कर रखा है तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी लेंथ इंडेक्स एक तरीके से ले ले रहा है

लास्ट क्योंकि इंक्लूड नहीं होता इंक्लूड नहीं होता लेंथ नहीं कर रहा हूं तो तो मतलब टेन माइनस वन नाइन आ जाएगा तो जस्ट लास्ट वाले की इंडेक्सिंग आ जाएगी अब लास्ट वाले आपने इंडेक्स यहाँ पे डाल दिया तो दिक्कत क्या होगी इंडेक्स जो आपने यहाँ पे डाला है उससे लास्ट वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा पर हमें तो लास्ट वाला एलिमेंट भी इंक्लूड करना है

ठीक है तो आप देख भी सकते हो वन से शुरुआत होकर दो दो का स्किप करके नाइन तक हम इंक्लूड कर रहे हैं तो वन से थ्री फिफ्टी से फाइव फिफ्टी से सेवन अब आप सोचो अगर इसमें लास्ट इंडेक्स हमने स्पेसिफाई किया होता तो काम से लास्ट एलिमेंट तो आना ही नहीं चाहिए था पर यह नाइन आ गया ना तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि लास्ट एलिमेंट भी इंक्लूड होता है ठीक है अच्छा व्हाट इफ अगर मैंने दोनों ही स्किप मार दिया व्हाट इफ अगर मैंने दोनों ही स्किप मार दिया फिर क्या होगा भाई ठीक है वो देख लेते हैं यार तो अगर मैंने यहां पे दोनों ही स्किप मार दिए तो क्या होगा तो देखते हैं तो कुछ नहीं होगा भाई आपके बाय डिफ़ॉल्ट सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगे तो यहाँ मैं थ्री डाल देता कि दो दो का स्किप मार रहे। तो जब भी आपने इसको, दोनों को ब्लैंक कर दिया तो होगा क्या? आपके सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे ठीक है तो लेट्स कि नहीं होते देखिए सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए समझ में आया मतलब आपने फिफ्टी से शुरुआत करी फिफ्टी से थ्री थ्री का जंप ले तो फिफ्टी से थ्री थ्री का जंप नहीं ले रहा एक्चुअली थ्री आपने स्टेप डाला मतलब टू टू का जंप ले रहे हो तो फिफ्टी से दो का जंप मतलब थ्री फिफ्टी नेक्स्ट इलेमेंट थ्री फिफ्टी ध्यान से नोट करते चलेगा फिर थ्री फिफ्टी के फिर से दो का जंप लिया तो सिक्स फिफ्टी देखो नेक्स्ट एलिमेंट इलेमेंट फिफ्टी सिक्स फिफ्टी के बाद फिर दो का जंप लिया तो नाइन फिफ्टी तो लास्ट इलेमेंट नाइन फिफ्टी आ गया और आई थिंक आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो फिफ्टी से लेकर नाइन फिफ्टी आपको देखने को मिला है मतलब हमने कुछ भी स्पेशल नहीं किया तो यहाँ पे स्टार्टिंग एलिमेंट जीरो आ गया यहाँ पे बाई डिफॉल्ट वैल्यू लेंथ आ जाएगी जिससे कि आपके पूरे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे और थ्री थ्री का स्टेप ले रहे हो ठीक है आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा समझ में आया अब देखो अगर इसी के साथ अगर मैं एक काम और करूं कि अगर मैं ये स्टेप वाले को ब्लैंक छोड़ दूं सो so क्या होगा भाई देन व्हाट विल हैपन ठीक है तो अब मैं यहां पे ये ब्लैंक वाला भी मतलब ये जो स्टेप वाला है ये भी ब्लैंक छोड़ दे रहा हूं ठीक है देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन तो अगर मैंने ये ब्लैंक वाला मतलब वाला ब्लैंक छोड़ दिया फिर क्या होगा देखना तो फिर बाई डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है भाई भाई बाई डिफॉल्टी वैल्यू लेता है वन तो अगर अपनी वो भी ब्लैंक छोड़ दे तो क्या हो रहा है देखो फिफ्टी से लेकर फिफ्टी तक आप पहुंच रहे हो फिफ्टी से वन फिफ्टी वन फिफ्टी से टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन फिफ्टी पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई स्टार्टिंग से लेके एंड तक विद स्टेप ऑफ वन मतलब आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो आपका स्टेप कितना है आपका स्टेप है वन और इवन सिर्फ ऐसे ही नहीं ठीक है इवन सिर्फ ऐसे ही नहीं आप चाहो तो स्टार्टिंग के साथ भी स्किप कर सकते हो मतलब आप स्टार्टिंग वाला लिखो सॉरी स्टार्टिंग वाला मत लिखो मतलब इस वाली सिचुएशन में स्टार्टिंग जैसे हमने क्या देखा हमने हमने स्टार्टिंग मिस किया हमने एंड मिस किया मतलब स्टार्ट मिस किया स्टॉप मिस किया ठीक है स्टार्ट स्टॉप दोनों मिस कर दिया पर इन तीनों में ही स्टेप आ रहा था ठीक है अब अगर स्टेप नहीं आए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है तो इन सब के साथ मतलब स्टार्ट में ना रखूं तो इसमें स्टेप ना रखूं ये भी पॉसिबल है ना तो वो सब भी देख लेते हैं चलो ठीक है तो अगर मैं ये कहूं कि यार आपका स्टार्ट है स्टॉप है पर स्टेप नहीं ठीक है सोरी स्टार्ट नहीं है स्टॉप है पर स्टेप नहीं है देन वॉट विल हैपन अच्छा यहां भी मैं डाल देता हूं सपोज एट आपका ठीक है यहां सेवन डाल देता हूं चलो सेवन डाल दिया मैंने है ना लेंथ फाइव नाइन है तो सेवन तक डाल दिया तो क्या होगा भाई इस सिचुएशन में तो इस सिचुएशन में भी परफेक्टली आपका स्टेप वन वन लेके मूव कर जाएगा मतलब 50 से 150, 250, 350, 350 450, 550, 650 और इस सेवंथ इंडेक्स पे आके रुक गया मतलब सेवंथ इंडेक्स 750 है ना सेवंथ एट नाइन्थ तो सेवंथ इंडेक्स 750 है तो सेवंथ वाला इंक्लूड ना हो गए सिक्स तक आ गए समझ में आया तो आप यहां पर भी स्टेप मिस कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आप सिर्फ इसी में नहीं भाई आप आप स्टॉप वाले में भी स्टेप मिस कर सकते हो जैसे कि ये वाला मैं कॉपी करूं ठीक है तो इस वाले को कॉपी करके अगर मैं यहां पे डालता हूं और इसमें भी अगर मैं स्टॉप को मिस करता हूं ठीक है तो अगर मैं यहां पे स्टॉप को मिस करता हूं और यहां पे स्टेप को मिस कर देता हूं तो क्या होगा भाई ठीक है तो क्या होगा वो देखते हैं तो फर्स्ट से शुरुआत होगी अब अगेन वही चीज होगी कि फर्स्ट से शुरुआत होगी बाय डिफॉल्ट लास्ट तक जाएगी पर अब स्टेप क्या है बाय डिफॉल्ट वन वन है तो वन फिफ्टी से टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन फिफ्टी तक आपको देखने को मिलेगा सारे एलिमेंट्स तो अगर आप स्टेप कभी भी मिस करते हो तो आपकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाती है भाई वन आ जाती है मतलब वन आप स्टेप मेंशन करते हो मतलब जीरो का गैप ले रहे हो मतलब जीरो एलिमेंट्स स्किप कर रहे हो ठीक है तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप स्टार्ट स्टॉप सब मिस कर सकते हो सबको मिक्स भी कर सकते हो आप तीनों ब्लैंक छोड़ो चाहो तो ठीक है वो भी कर सकते हो आप किसी दो को ब्लैंक छोड़ो वो भी कर सकते हो ठीक है किसी दो को ब्लैंक छोड़ने में आप स्टार्ट स्टॉप ब्लैंक छोड़ दो आप स्टार्ट स्टेप ब्लैंक छोड़ दो आप स्टॉप स्टेप ब्लैंक छोड़ दो ये भी पॉसिबल है ठीक है इवन आप कर के सकते हो आप स्टार्ट ब्लैंक करो स्टॉप को रहने दो है ना आप स्टॉप ब्लैंक करो आप स्टार्ट को रहने दो ठीक है तो हमने सारी पॉसिबिलिटी देख ली कि सारी मिस हो जाए तो वो देख लिया हमने सारे ही मिस हो जाए तो क्या होगा कोई एक मिस हो जाए तो आपकी सॉरी कोई दो मिस हो जाए तो आपकी पॉसिबिलिटीज हमने देख ली ठीक है क्या क्या है

ठीक है पर इसके बाद हमने ये नहीं देखा कि अगर हम स्टार्ट स्टॉप मेंशन करें पर स्टेप मिस मिस कर दे तो क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार तो अब मैं यहां क्या करने वाला हूं यहां मैं मेंशन करने वाला हूं कि मैंने अब यहां पे सपोज डाला टू से लेके 7 तक पर मैंने स्टेप में मिस कर दिया तो क्या होगा 2 से 7 बट स्टेप मिस कर दे तो क्या होगा तो 2 से लेके ले मतलब 0 1 2 2 से लेके 7 तक 7 मतलब 6 750 ठीक बट सेवन इंक्लूड नहीं होगा, तो सिक्स फिफ्टी तक बाई डिफॉल्टल्यूज प्रिंट हो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आएगी जीरो और अगर आप स्टेप मिस करते हो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी तो क्या आपकी वैल्यू आएगी वन ठीक है तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा ठीक है आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा राइट मिसिंग वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा ठीक है अब इसमें आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चेक करते हैं कि वॉट इफ की अगर मैं यहां पर स्टेप की वैल्यू नेगेटिव देता हूं तो क्या होगा ठीक है तो लेट्स चेक दैट नाउ ठीक है अब हम क्या करने वाले हैं? हम सब कुछ mention करने मैंने प्रॉपरली जैसे करते थे ठीक है एट तक सपोज पर अब हम यहां पे वैल्यू देने वाले हैं नेगेटिव ठीक है सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन अगर मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू स्पेसिफाई कर देता हूं तो क्या होगा या फिर एक काम हम चलो नेगेटिव वैल्यू देखते हैं फिर बाकी आगे देखेंगे ठीक है सो नेगेटिव वैल्यू अगर मैंने पास करी तो देखिए क्या हुआ तो यार नेगेटिव वैल्यू अगर आपने पास कर दी तो देखो क्या हो रहा है आप वन से लेकर आठ तक जा रहे हो नॉर्मल प्रॉपर इंडेक्सिंग है वन से लेके आठ तक जा रहे हो पर आपने नेगेटिव इंडेक्सिंग स्पेसिफाई कर दी ठीक है मतलब वन से आप पीछे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो पर पीछे तो आपका एंड है ही नहीं तो इसीलिए जब भी ऐसा कभी भी करोगे तो क्या मिलेगा आपको एम्प्टी लिस्ट देखने को मिलेगी तो नेगेटिव वैल्यू स्पेसिफाई कर दी तो क्या देखने को मिला आपको आपको एम्प्टी लिस्ट देखने को मिली समझ में आया एम्प्टी लिस्ट मिल गई इससे एक बार फिर से रन करता हूं तो क्या मिला देखो एम्प्टी लिस्ट मिल गई क्लियर बट अगर अब इसी में मैं कर दू रिवर्स ठीक है अगर इसी में मैं कर दू रिवर्स देन वॉट विल हैपन लेट्स सी ठीक है देन विल हैपन मतलब अब इसको एट वन स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पास कर दी देन वॉट विल हैपन मतलब मैं उल्टी इंडेक्सिंग कह रहा हूँ लास्ट हमने देखा तो गलत है आठ से वन हम जा रहे हैं स्टार्टिंग आठ है लास्ट वन है ठीक है अब स्टार्ट यहां से शुरू होगा आगे जा रहे हो अब कैसे बंद हो है ना पर नेगेटिव में देखना क्या होगा यार नेगेटिव में क्या होगा नेगेटिव में प्रॉपरली प्रिंट हो गया यार 850 के बाद 750 के बाद 650 के बाद 550 के बाद 450 के बाद, 450, के बाद 350 के बाद 250 और 150 इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि वो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू आपने स्पेसिफाई कर रखी है विच इज सॉरी विच इज वन सॉरी एंड वैल्यू आपने स्पेसिफाई कर रखी है विच इज वन वो इंक्लूड नहीं हुआ मतलब माइनस वन क्या है भाई माइनस वन कुछ नहीं है आप बैक जंप्स लेते जा रहे हो असली मतलब पीछे पीछे आप जाते जा रहे हो तो पीछे पीछे अगर आप जाते जा रहे हो तो आपका स्टार्ट क्या होना चाहिए आगे होना चाहिए और स्टॉप क्या होना चाहिए पीछे होना चाहिए तभी तो आप नेगेटिव जंप ले लेके पीछे जाओगे समझ में आया तो नेगेटिव जंप में ऐसा होता है और जब माइनस वन स्पेसीफाई किया तो एक का जंप लोगे वॉट इफ अगर मैं माइनस टू स्पेसिफाई कर दू तो इसमें तो माइनस टू अगर मैं स्पेसीफाई कर दू आपके नॉर्मल ऊपर वाली सिचुएशन में मतलब में में मैंने स्पेसीफाई कर दिया माइनस टू फिर क्या होगा भाई वन एट में स्पेसिफाई कर दिया माइनस टू तो फर्क नहीं पड़ता आपने माइनस टू स्पेसिफाई किया वन से एट में आप माइनस टू मतलब टू का जंप कैसे लोगे नहीं ले सकते negative two का जंप तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ब्लैंक लिस्ट देखने को मिलेगी आपको बट वॉट इफ अगर इसी में इसी में अगर मैं क्या करूं इसी में अगर मैं एट वन कर दूं और नेगेटिव टू दे दू तो क्या होगा तो वापस से आपकी सारी लिस्ट प्रिंट हो जाएंगी पर दो दो के गैप के साथ तो देखना सो so, से लेके जा रहे हैं अपन मतलब इज दिस एलिमेंट है ना एट so, फिफ्टी से हम वन जा रहे हैं मतलब इंक्लूड नहीं होगा तो टू फिफ्टी तक रुकोगे तो एट फिफ्टी से दो दो का जंप ले रहे हैं पीछे तो एट फिफ्टी से दो दो का मतलब एक एक एलिमेंट स्किप करना है तो एट फिफ्टी से सिक्स फिफ्टी 650 से 450, 450 से 250, तो इस तरीके से टू तो 250 तक प्रिंट हो गया बात समझ में आई कि नेगेटिव एलिमेंट्स मतलब इंडेक्सिंग नेगेटिव डालोगे तो क्या होगा आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है ठीक है अब जैसे हमने इंडेक्सिंग में नेगेटिव वैल्यू डाली लेट्स चेक क्या हम पॉजिटिव मतलब यहां पे इंडेक्सिंग मतलब इंडेक्सिंग कह रहा हूं यहां पे अगर हम सपोज स्टार्ट स्टॉप के लिए भी अगर नेगेटिव वैल्यूज डाल दें तो क्या परफेक्टली काम करेगा स्टेप के साथ वो देख लेते हैं चलो आगे और फिर सबको मिक्स करेंगे मतलब इंडेक्सिंग पूरी नेगेटिव वाली भी मिक्स करेंगे ठीक है तो वो आगे देखेंगे तो एक काम करता तो करते पहले तो यार ये लिस्ट ही कॉपी मार लेता हूँ पूरी है ना ये लिस्ट कॉपी मारता हूँ उसको कमेंट आउट भी मारता हूँ और यहां पे इसको कॉपी मार लेता हूँ तो लिस्ट कॉपी मान ली ताकि मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग दिखती रहे है ना और इसी चीज को अपन कॉपी पेस्ट भी मारेंगे को भी इसको भी कॉपी कॉपी इसको पेस्ट मारेंगे और एक प्रिंट वाले को भी कॉपी पेस्ट मारेंगे है ना ये भी ठीक है नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग कि अभी हम हम स्टार्ट स्टॉप में पॉजिटिव इंडेक्सिंग देख चुके हैं अच्छा इसमें एक चीज और बच गई वो और देखते हैं फिर इस नेगेटिव वाले को देखना एक्चुअली बेटर है ठीक है तो इसको फिलहाल मैं कमेंट आउट कर देता हूँ

और इसको भी करूँगा अनकमेंट और इसको वापस से हम देखने वाले ठीक है इसी में नया आगे देखने वाले हैं क्या देखने वाले हैं कि वॉट इफ अगर मैं तो पहले तो नन देख लेते हैं फिर बड़ी वाली देख लेते हैं तो नन के लिए मैं क्या करूँगा इसी को पूरे को कॉपी मारूंगा और इसी को आपको दिखाऊंगा कि अगर आप इसी में स्पेसिफाई ना करके नन डाल दो तो परफेक्टली काम करेगा तो फिफ्टीथ पे डालो मैं है ना तो फिफ्टी पे डाला मैंने एक एक करके इसको अनकमेंट करते चलेंगे तो उसको अनकमेंट किया है ना अब मैंने यहां कुछ ना स्पेसिफाई करने की जगह नन लिख दिया तो क्या ये काम करेगा ये भाई बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा नन मतलब स्टार्टिंग जो डिफॉल्ट वैल्यू वो ले ली जाएगी तो नन मतलब 50 से आप क्या कर रहे हो 50 से आप कहां तक जा रहे हो एक मिनट जरा वो भी देख लेते हैं यार तो आप स्टार्टिंग जीरो इंडेक्स से टेंथ इंडेक्स तक जा रहे हो मतलब लास्ट तक जा रहे हो दो दो का स्टेप ले रहे हो तो फिफ्टी से टू फिफ्टी फोर फिफ्टी सिक्स एट फिफ्टी एंड सो ऑन लाइक दैट ठीक है अब जैसे आपने ये देखा आप अगर इसमें ये चीज करो मतलब एंड में तो आप यहां पर भी नन डाल सकते हो तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल कि उसको ब्लैंक छोड़ना आपको सही नहीं लग रहा आप नन स्पेसिफाई कर दो डिफॉल्ट वैल्यू ले ली जाएगी वैसे तो देखो वही प्रिंट हो रहा है 150 फिर 350 तो आप क्या कर रहे हो वन से लेकर नन तक मतलब वन से लेकर लास्ट तक सो वन से लेकर नाइन लास्ट तक और दो दो का स्किप ले रहे हो दो दो का स्किप नहीं ले रहे हो दो आपने स्टेप डाला मतलब वन वन का स्किप ले रहे वन फिफ्टी थ्री फिफ्टी फाइव फिफ्टी सेवन फिफ्टी नाइन फिफ्टी वन फिफ्टी थ्री फिफ्टी फाइव फिफ्टी सेवन फटी नाइन फिफ्टी समझ में आया अब जैसे यहीं पे आपने जैसे यहां नन डाला आप यहां दोनों में ही नन डाल सकते हो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये चीज तो हमने यार वैसे लास्ट टाइम भी देखी थी ठीक है जो हमें नया देखना है वो देखना है कि क्या स्टेप में भी डाल सकते हैं अपन ये चीज तो वो देखेंगे अभी तो देखो यहां पर आपने कुछ नहीं डाला तो 550 से लेके 950 तक थ्री का जंप मतलब थ्री का जंप मतलब दो का स्किप ले रहे हो तो 50 से 350 से 550 नहीं 650 फिर 950 तो देखो इस तरीके से आ गया राइट सो नन भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो ठीक है आप जैसे इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो वैसे तीनों में ही स्किप जब करना है आपको तो नन स्पेसिफाई कर सकते हो ठीक है उनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो डिफॉल्ट वैल्यू लेके तो यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू नन के मतलब यहाँ ले ली अब यहाँ साथ ले ली गई वैसे यहाँ पर भी सिचुएशन है क्या है देखो कि अगर मैं यहाँ पे नन डाल देता हूँ नन डाल देता हूं, हूं ठीक है तो भी ये चल जाएगा ठीक है लेट्स तो देखो वापस से वही तो 50 से लेके आप क्या जा रहे हो सेवन मतलब 650 तक जा रहे हो और वन वन का स्किप ले रहे हो ठीक है बाई डिफॉल्ट जो वाली होती है समझ में आया अब जैसे यहां पे आपने ऐसा किया आप यहां पर भी कर सकते हो ठीक है यहां पर भी आप नॉन स्पेसिफाई कर दो ठीक है सब जगह तो परफेक्टली काम करेगा ठीक है देखो वही चीज 50 से लेके

कहाँ तक जा रहे हो फिफ्टी से नहीं जा रहे हो सॉ जीरो से सेवन तो मतलब 650 तक और बाय डिफॉल्ट का skip ले रहे हो नन मतलब डिफॉल्ट वैल्यू वन वन कप स्केफ्टी सिक्स फिफ्टी ठीक है वन वन कप स्केप ले रहे हो तो समझ में आया अब जैसे आपने ऐसा किया इफ सॉरी पूरा ही पेस्ट हो गया वर्ट इफ अगर आप इसमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू डाल दो ठीक है तो वो और देखते हैं तो जो हम देख एक्चुअली चुके भी हैं ओके आई थिंक तो हमने नन फिफ्टी से शुरू किया था ना तो यहाँ नन, नन, नन।, नन डाल दिया नन 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 यहाँ नन डाल ओके आई थिंक सो हमने ये रिपीट हो गया अपना

ठीक है फिर तीनों नन फिर स्टार्ट और लास्ट वाला नन फिर स्टॉप और लास्ट वाला नन दिस इज 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 परफेक्ट ठीक है नाउ नाउ व्हाट व्हाट वी वी आर आर ट्राइंग ट्राइंग नॉट कि हम चाह रहे हैं कि अगर हम बहुत बड़ी वैल्यूज रख दे तो क्या होगा वो देखना ठीक है तो जैसे हमने स्टार्ट स्टॉप में तो देखा हो बहुत बड़ी वैल्यूज रखने का क्या नतीजा होता है जैसे सपोज मैंने यहां टू से ही रखा है ठीक है मैं यहाँ गैप डालू सपोज ट्रू टू का फिलहाल ठीक है अगर मैं स्टॉप की बहुत बड़ी वैल्यू डाल दू सपोज सौ डाल देता हूँ ठीक है जो सौ की लिमिट ही नहीं है तो क्या होगा पूरे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे बाद के स्किप हो जाएंगे ठीक है तो आपका क्या होगा यहां पे टू से शुरुआत होगी मतलब जीरो वन टू टू फिफ्टी से शुरुआत होगी और दो दो का स्किप लेके दो दो का मतलब थ्री फिफ्टी के बाद फोर फिफ्टी के बाद एन सिक्स फिफ्टी के बाद एट फिफ्टी इस तरीके से स्किप लेके सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे ठीक है टू से लास्ट तक जाना है हंड्रेड मतलब लास्ट एलिमेंट तक जाना है उसके बाद इंडेक्स रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता तो जैसे आपने वहां पे देखा था पहले वाली वीडियो में वही चीज है ठीक है और यही चीज आपकी क्या होगी कि यही चीज आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी अगर आप स्टार्टिंग में बहुत बड़ी वैल्यू डाल दो है ना तो उससे भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है बहुत ज्यादा क्या फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो सपोज अगर मैं यहां पे सपोज यहां पे बहुत बड़ी वैल्यू डाल देता हूँ नेगेटिव में क्योंकि नेगेटिव से शुरुआत करनी है तो मैं यहां डाल दू सपोज माइनस वन हंड्रेड ठीक है और यहाँ पे सपोज मैं डाल देता हूँ कि मुझे थ्री तक चाहिए सिर्फ है ना तो ये सपोज मैं डाल देता हूँ ठीक है बल्कि थ्री भी नहीं मुझे फाइव तक चाहिए सपोज़ ठीक है तो अगेन वही होगा कि स्टार्टिंग बहुत बड़ी वैल्यू तो पूरा इंक्लूड स्टार्टिंग से हो जाएगा तो फिफ्टी से इंक्लूड होना शुरू होगा और क्या होगा फिफ्टी से इंक्लूड होना शुरू होगा और आपका दो दो का गया तो फिफ्टी के बाद टू फिफ्टी के बाद फोर फिफ्टी ठीक है तो फिफ्थ एलिमेंट तक यहाँ पे आ जाएगा ठीक है अच्छा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव फिफ्टी इंक्लूड नहीं हुआ फोर फिफ्टी तक आ गया आपके पास चीजें देखने को मिली तो ये तो हम देख चुके हैं भाई हमने स्टार्टिंग स्टॉप का बहुत बड़ी-बड़ी ठीक बड़ी तो मतलब मैं, मैं है ना ये टू से एट बट वॉट इफ अगर मैंने स्किप की बहुत बड़ी वैल्यू डाल दी तो क्या होगा सपोज तो डाल दी स्किप की वैल्यू बहुत बड़ी तो क्या होगा भाई वही सिचुएशन होगी जो थी क्या आपका लास्ट एलिमेंट क्या होगा मतलब स्टार्टिंग वाला प्रिंट हो जाएगा 250 पर लास्ट जो आप गैप करना चाह रहे हो वो इतना बड़ा स्किप आपने दे दिया है कि वो आपका जंप हो गया पूरी लिस्ट क्रॉस हो गई बट लास्ट नेक्स्ट एलिमेंट आपको मिला ही नहीं सेकंड एलिमेंट तो जो आपने टू स्पेसिफाई किया वो तो आ गया पर जंप आपने बहुत बड़ा डाल दिया तो उस वो सेकेंड एलिमेंट मिला ही नहीं ठीक है तो फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्टेप बहुत बड़ा है स्टार्टिंग एलिमेंट प्रिंट हो गया ही होगा फिर उसके बाद आपको जो नेक्स्ट जंप है वो बहुत बड़ा है तो एलिमेंट मिलेगा नहीं तो प्रिंट नहीं होगा पर एरर नहीं आएगा इसमें बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ी वैल्यूज भी अगर आप डालते हो तो आपका एरर नहीं आता ठीक है तो बिगर वैल्यूज में भी आपका एरर नहीं आता ठीक है तो ये हो गया बिगर वैल्यूज ये हो गया नन वाला पार्ट ठीक है ये क्या हो गया आपका नेगेटिव स्टेप हो गया ठीक है नेगेटिव स्टेप हो गया और ये हमने देख लिया जो ब्लैंक क्या होता है ठीक है तो ये हो गया आई होप अब चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे अपने अब होगा हम स्टार्टिंग और ठीक है अगर हम अपने क्या करें ओके सो अब अगर हम अपने स्टार्ट स्टॉप को ही नेगेटिव इंडेक्सिंग देखते हैं तो क्या होगा हम ये देखना चाह रहे हैं राइट तो लेट्स सी व्हाट विल एप

और देखिए भाई तो 150 से 750 तक क्योंकि माइनस टू इंक्लूड नहीं होता है तो 850 इंक्लूड नहीं होगा तो 750 तक सारे एलिमेंट्स प्रिंट होगा वन वन के साथ जैसे होता है ठीक है पर व्हाट इफ अगर मैंने यहीं पे व्हाट हैपेंड ठीक है व्हाट इफ अगर मैंने यहीं पे राधर देन वन टू दे दिया

से 750 फिफ्टी एंड बस दैट्स ऑल क्योंकि लास्ट एलिमेंट इंक्लूड ही नहीं होगा ठीक है तो इस तरीके से आपका थ्री में भी इस तरीके से जंप देखने को आपको मिलेगा ठीक है समझ में आया अब जैसे आपने यहां पे देखा अब यहां पर भी नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं पर डेसिमल वैल्यूज अलाउड नहीं थी तो वही यहां पर भी आपके अलाउड नहीं है ठीक है एरर आपको देखने को मिलेगा ठीक है भले ही आप नेगेटिव वैल्यूज भी पास करो देसे तो इसी को कॉपी पेस्ट मारूंगा ठीक है इसी को कॉपी पेस्ट मारूंगा और यहां बस प्रिंट पेस्ट कर दूंगा और देखूंगा कि वट तो, तो, है तो करके कमेंट आउट करूंगा तो इसको अनकमेंट किया मैंने और देखा कि अगर स्टेप में नेगेटिव देगा तो क्या होगा टू 2.5 तो क्या चलेगा ये तो भाई नहीं चलेगा ये एरर आ जाएगा भाई टाइपर स्लाइस इंडाइसिस मस्ट बी नेगेटिव सॉरी मस्ट बी इंटेजर्स नन और एन इंडेक्स वैल्यू एंड व्हाट इज नॉट अलाउड इज व्हाट इज नॉट अलाउड इज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यूज आर नॉट अलाउड वैसे ही यहां पर भी देख लो यार ठीक है यहां पर अगर मैं ये दोनों चीजें नेगेटिव डाल दू वॉट विल आपने ठीक है अब जीरो तो जीरो यार नेगेटिव वैल्यू का कोई मतलब नहीं वॉट इफ अगर मैं दोनों चीजें नेगेटिव डाल दूँ फिर से वही टाइप एरर देखने को मिलेगा आपको ठीक है देखिए टाइप एरर फिर से ठीक है अब इसी में अगर मैं ये कहूँ कि यार इसमें ही मैं नेगेटिव वैल्यूज डालू सपोज दोनों में तीनों में ठीक है सपोज ये नेगेटिव ये नेगेटिव और ये नेगेटिव माइनस टेन तो है ही नहीं तो माइनस नहीं माइनस टेन है ना माइनस टेन है तो ठीक तो है तो माइनस टेन है तो माइनस टेन डालता हूँ तो फिर क्या अगेन वही एरर सेम चीज़ टाइप एरर नेगेटिव वैल्यू इज़ नॉट अलाउड ठीक है वॉट इफ अगर मैं यहाँ पर भी नेगेटिव तीनों में ही नेगेटिव डाल दूँ वो भी डेसिमल वैल्यूज का था तो क्या चलेगा ये मत कहना भाई चलेगा प्लीज़ ठीक है अब क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्लोटिंग इंडेक्स की बात कर रहे हो आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर नॉट अलाउड टाइप एरर देखने को मिलेगा आपको बार बार अगेन वही उसी एल में टाइप टाइपेर देखने को मिला स्ट्राइस इंडेक्स मस्ट बी नन नन और नन और और इंडेक्स मेथड ठीक है नथिंग एल्स नहीं तो टाइप टाइपेर देखने को मिलेगा ठीक है सो डेसिमल वैल्यूज आर अगेन नॉट अलाउड ठीक है बट वॉट इफ अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ना शुरू कर दूं सो so, ब्लैंक अलाउड है क्या तो वो देख लेते हैं यार तो इसी को कॉपी पेस्ट मारूंगा और नेगेटिव वैल्यूज में ब्लैंक देखेंगे कि ब्लैंक अलाउड है क्या ठीक है मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं अब मैं यहां पे माइनस टू कर रहा हूं ठीक है मतलब अभी ये ब्लैंक मतलब ये नेगेटिव नहीं कर रहा हूं सिर्फ मैं यहां माइनस टेन कर रहा हूं ठीक है नाउ वॉट विल हैपन ठीक है तो अब एक्चुअली यहां थोड़ी सी सिचुएशन मुझे एक्चुअली थोड़ी सी सही करनी पड़ेगी ठीक है क्योंकि स्टार्टिंग से मैं माइनस टेन तक जा रहा हूं ठीक है स्टार्टिंग से जीरो से माइनस टेन जाने का कोई मतलब ही नहीं है ठीक है तो मुझे एक्चुअली यहां डालना पड़ेगा माइनस वन तो मैं यहां डालूंगा माइनस वन ठीक है तो यहाँ मैं क्या डालने वाला हूँ माइनस वन वाला वालों फिलहाल तो तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन तो आपके सारे एलिमेंट स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक प्रिंट हो जाएंगे 50 से शुरुआत होगी माइनस वन मतलब 950 है तो उसको स्क्रिप्ट करके 850 तक जाएंगे सो 50 से 850 फिफ्टी टू टू का स्टेप मतलब वन वन का गैप तो 50 से 250 250 से 450 450 से 650 फिफ्टी एंड फिर 850 इस तरीके से प्रॉपरली आपका प्रिंट हो जाएगा ठीक है अब जैसे आपने यहां पे नेगेटिव वैल्यूज देखी वट इफ अगर मैं स्टार्टिंग में नेगेटिव वैल्यू दे दू बाकी फिर ब्लैंक छोड़ दू तो क्या वो अलाउड है तो ये भाई वो अलाउड है माइनस टेन अगर सपोज मैं करता हूं तो परफेक्टली चलेगा देखो माइनस टेन मतलब लास्ट इंडेक्स में फिफ्टी तो फिफ्टी से लेके लास्ट तक आप जा रहे हो और एक एक का गैप नहीं एक एक का नहीं एक एक का स्किप ले रहे हो दो दो का गैप दे रहे हो ठीक है तो फिफ्टी से टू फिफ्टी से फोर फिफ्टी से सिक्स फिफ्टी से एट फिफ्टी एंड सो ऑन ठीक है परफेक्टली रन हो जाएगा ठीक है अब अगर बाकी सब आप स्पेस छोड़ दो और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज जो देख ही चुके अपन क्या होगा तो वो भी आपको पता ही है ठीक है क्या होगा ठीक है तो अभी फ़िलहाल मैं एक काम ये करता हूँ कि नेगेटिव वैल्यूज़ को हम मिक्स इसके साथ नहीं कर रहे हैं ठीक है या फिर चलो कर भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं नेगेटिव वैल्यू यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ ठीक है तो ये परफेक्टली चल जाएगा ठीक है तो लास्ट से स्टार्टिंग तक आप जा रहे हो है ना और आप नेगेटिव वैल्यू मतलब, 950 3 का, skip, मतलब 650, फिर 3 का मतलब सिक्स फिफ्टी फिर माइनस थ्री का मतलब थ्री का फिर का गया तो थ्री फिफ्टी फिर दो का स्किप तो फिर फिफ्टी आ गया तो इस तरीके से पूरा प्रिंट हो गया आपका ठीक है यहां पर भी ये चीज आपकी परफेक्टली काम करेगी ठीक है आप इवन यहाँ पर भी ये चीज़ कर सकते हो नेगेटिव वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो सिर्फ ठीक है तो ये सब नेगेटिव वैल्यूज अलाउड है अभी फिलहाल इसको कट कर दूंगा क्योंकि आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी ठीक है कि नेगेटिव वैल्यूज़ अलाउड है ठीक है अब नन में भी ये चीज है कि नेगेटिव वैल्यूज अलाउड है आपकी इवन बिगर वैल्यूज में भी नन, नेगेटिव वैल्यूज अलाउड है ठीक है तो नन तो चलो सही है नन तो आपको समझ में आई क्योंकि नन बाकी चीज तो नेगेटिव है ही नन आपने मतलब ब्लैंक वाली चीज हमें देखनी थी वो आप देख ही चुके ठीक है नेगेटिव स्टेप आप देख ही चुके ठीक है अब वॉट आपको जो देखना देखना जो है वो क्या देखना है अच्छा नेगेटिव वैल्यूज हमने ये नहीं देखी कि अगर हम नेगेटिव वैल्यूज प्रॉपर नेगेटिव स्टेप वाला देख लेते चलो एक बार ठीक है नेगेटिव नेगेटिव स्टेप वाला देखते वैल्यूज के साथ ठीक है तो अंतर कुछ भी नहीं आया देखो अंतर वही आएगा क्योंकि फाइनली जो स्टेप आपका कैलकुलेट होता है वो लेंथ में से करके होता है तो डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा ठीक है देखते हैं तो अब मैं सपोज इंडेक्शन देता हूं वन से लेके एट तक की मतलब माइनस नाइन से माइनस टू ठीक है तो माइनस नाइन से माइनस टू के अपन बार बार और इसमें सब में चेंज मार लेता हूँ मैं सब में तो नहीं यहां पे हो जाएगा माइनस नाइन से माइनस टू तो टू भी स्मार्ट अगर मैं रहता तो मेरा सारा एक साथ एक्चुअली चेंज कर सकता था मैं वैसे तो बट चलो ठीक है कोई बात नहीं ठीक है ये आ गया माइनस नाइन और ये आ जाएगा माइनस टू ठीक है सो व्हाट विल हैपन माइनस नाइन से माइनस टू मतलब माइनस नाइन से माइनस टू मतलब यहाँ माइनस नाइन है ये माइनस टू यहाँ से यहाँ तक जा रहा हो ठीक है नेगेटिव वन का स्किप ले रहा हो तो क्या कुछ होगा नहीं होगा क्या दे देगा ब्लैंक लिस्ट दे, दे देगा देखो परफेक्टली ब्लैंक लिस्ट दे दी इसने समझ में आया ब्लैंक लिस्ट आपको देखने को मिल गई ठीक है यहां पे क्या होगा पर अब आप माइनस टू से माइनस नाइन जब आप जा रहे हो मतलब माइनस टू से माइनस नाइन मतलब वाला है वो आगे है और जो स्टार्ट वाला है वो पीछे है तो जब ऐसा होगा तो माइनस टू से आप नेगेटिव स्किप ले लेके पीछे चलते चले जाओगे ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें आपको परफेक्टली प्रिंट हो जाएगा तो माइनस टू से माइनस नाइन में आप क्या करोगे आप परफेक्टली प्रिंट कर लोगे तो एट फिफ्टी से शुरुआत करोगे फिर सेवन फिफ्टी फिर सिक्स फिफ्टी फिर फाइव फिफ्टी फोर फिफ्टी थ्री फिफ्टी टू फिफ्टी एंड वन फिफ्टी तक आ जाओगे वन फिफ्टी नहीं मतलब टू फिफ्टी तक आ जाओगे वन फिफ्टी इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि वो इंक्लूडेड ही नहीं माइनस वन थोड़ी इंक्लूड होता है स्टॉप वाला थोड़ी इंक्लूड होता है ठीक है अब वॉट इफ माइनस टू का स्किप दोगे तो ये क्योंकि स्टार्टिंग वाला छोटा है स्टार्टिंग वाला लेफ्ट में है माइनस नाइन से माइनस टू आप माइनस टू का स्किप ले रहे हो तो ये एक्चुअली में प्रिंट ही नहीं होगा ठीक है तो ये आपका प्रिंट ही नहीं होगा मतलब प्रिंट तो होगा पर एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी कुछ होगा ही नहीं इसके अंदर कुछ होगा ही नहीं एलिमेंट ठीक है मतलब नेगेटिव में भी वैसे ही चलेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी तो वैसे ही कैलकुलेट होती है पर व्हाट इफ यहां पर अगर आप माइनस नाइन से नहीं माइनस टू से माइनस नाइन अगर आप दे रहे हो सो क्या होगा तो जब माइनस टू का गैप ले रहे हो तो वन वन का होता चला जाएगा मतलब एट फिफ्टी सिक्स फिफ्टी फोर फिफ्टी टू फिफ्टी इस तरीके से चलता चला जाएगा ठीक है देखिए तो so 850 650 450 एंड 250 लास्ट क्योंकि 150 इंक्लूडेड नहीं है इस तरीके से आपका ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे आई होप ये क्लियर राइट right? ये नेगेटिव वैल्यूज भी क्लियर होंगी नन में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ठीक है बाकी बिगर वैल्यूज और एक बार फटाफट दिखाता हूँ। सॉरी नेगेटिव में बिगर वैल्यूज को देखते हैं फिर हम चलेंगे आगे

तो स्टार्टिंग से आपको यहां पे बहुत बड़ी वैल्यू डालनी है तो यहां पे यार पॉजिटिव ही डालनी पड़ेगी तो माइनस टेन से अगर आप बहुत बड़ी वैल्यू डालोगे तो आपको पॉजिटिव ही डालनी पड़ेगी तो सपोज अगर मैं यहां डालता हूं हंड्रेड ठीक है दो दो का स्किप तो ये परफेक्टली चल जाएगा माइनस -10 टेन से हंड्रेड तक का परफेक्टली चलेगा माइनस टेन मतलब लास्ट स्टार्टिंग एलिमेंट फिफ्टी और लास्ट तक आप बहुत बड़े तक जा रहे हो तो सारा इंक्लूड हो जाएगा ठीक है एट फिफ्टी तक तो फिफ्टी से दो दो का स्किप दो का स्टेप मतलब वन का स्किप टू फिफ्टी फोर फिफ्टी सिक्स फिफ्टी एट फिफ्टी एंड सोन लाइक समझ में आया अब जैसे यहां पे आपका चला परफेक्टली क्या यहां पर भी परफेक्टली चलेगा तो ये देखो अब आप नेगेटिव वैल्यू स्टार्टिंग में बहुत बड़ी है ठीक है स्टार्टिंग में नेगेटिव वैल्यू बहुत बड़ी है मतलब नेगेटिव वैल्यू बहुत बड़ी है बट यहां आप कहां तक आ रहे हो आप माइनस टेन तक आ रहे हो तो माइनस टेन तक नहीं आना आपको आपको कहां तक आना है नेगेटिव वैल्यू में माइनस वन तक लेके आते हैं सपोज ठीक है तो ये हम लेके आते हैं सपोज माइनस वन तक तो क्या ये चलेगा यस दो दो का स्किप है परफेक्टली चलेगा ठीक है तो आपका फिफ्टी से शुरुआत होगा टू फिफ्टी रहेगा फोर फिफ्टी रहेगा सिक्स फिफ्टी रहेगा एट फिफ्टी रहेगा पर नाइन फिफ्टी नहीं रहेगा मतलब तो आपने बहुत बड़ी भी वैल्यू रखी है कुछ भी वैल्यू रखी है वो हमेशा लास्ट फिफ्टी से शुरुआत होगी और आखिरी तक रहेगा अच्छा इसमें एक चीज़ का कंफ्यूजन रहता है तो वो चीज़ और क्लियर कर लेते हैं फटाफट यहीं पर अगर मैंने ये डाल दिया कि मैं यहाँ माइनस के बजाय माइनस डाल रहा हूँ तो अभी भी क्या फिफ्टी से स्किप स्टार्ट होगा यस भाई फिफ्टी से ही शुरुआत होगी हमेशा फिफ्टी से शुरुआत होगी तो भले ही नेगेटिव वैल्यू में कितना भी बड़ा लिखा हुआ हो हमेशा शुरुआत फिफ्टी से ही होगी और फिफ्टी से शुरुआत होके आप आगे आ, जो भी स्किप दे रखा है उतना स्किप लोगे और लास्ट एलिमेंट जो भी है वो इंक्लूडेड नहीं होगा हमेशा ठीक है सो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा ठीक है सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी ठीक है और वॉट इफ की अगर मैं यहाँ पे स्किप बहुत बड़ा नेगेटिव डाल दू फिर क्या होगा यार ठीक है स्किप नेगेटिव डाल दूं बहुत बड़ा तो माइनस हंड्रेड का स्किप डाल दूं टू से एट तक ठीक है तो क्या होगा या फिर नेगेटिव का स्किप डालता तो का मतलब डाल चलो ठीक है तो नेगेटिव का स्किप मतलब माइनस नाइन से माइनस टू डाल हूँ सपोज माइनस नाइन से माइनस टू का नेगेटिव का स्किप तो क्या होगा तो अगेन भाई वही चीज होगी क्या होगी अच्छा माइनस टू से माइनस नाइन का दिक्कत क्या है सो माइनस नाइन से माइनस टू अगर आपने डाला है ना माइनस टू यहां तक डाला है ना यहां तक तो डाला तो क्योंकि आपका जो स्टॉप स्टार्ट वाला इंडेक्स है वो छोटा है पहले है स्टॉप वाला इंडेक्स बाद में है तो क्या होगा ये भाई प्रिंट ही नहीं होगा एम लिस्ट प्रिंट हो जाएगी मतलब skip तो पहला एलिमेंट भी प्रिंट नहीं होगा पर इसी में अगर मैं रिवर्स कर दूं तो आपका परफेक्टली चल जाएगा मतलब अगर मैं इसी में माइनस टू यहां पे ले आऊं और माइनस नाइन यहां पे ले आऊं तो ये परफेक्टली चल जाएगा देखना ये देखो ये परफेक्टली एट एटी एलिमेंट मतलब आपको ध्यान हमेशा क्या रखना है कि जब भी आप यहाँ नेगेटिव एलिमेंट स्पेसिफाई कर रहे हो तो आपका जो स्टार्ट वाला है वो राइट में होना चाहिए मतलब स्टार्ट वाला आपको आगे रखना है स्टॉप वाला पीछे रखना है जैसे अभी मैंने फिलहाल रखा माइनस टू से माइनस नाइन सो माइनस टू पे स्टार्ट आगे है और माइनस स्टॉप पीछे तो ये एट

तो ये सब क्वेश्चंस भाई घुमा के आते हैं आपके पेपर में तो इसीलिए मैंने ये सब चीज आपको वैरायटी दिखा दी कि, कि कभी भी आए तो आप कंफ्यूज ना हो इसको परफेक्टली कर लो ठीक है तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है परफेक्टली कर लेना है जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया उस तरीके से ठीक है सो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यार एक चीज और देखते हैं विच इज रिवर्सिंग द लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लिस्ट को रिवर्स करना है और तो अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कैसे रिवर्स को लिस्ट करने, लिस्ट को रिवर्स करने वाले हैं सो so, रिवर्सिंग लिस्ट की बहुत पॉसिबिलिटी है बट जो मोस्टली यूज होती है तो सपोज अगर मुझे इस लिस्ट को रिवर्स करना है तो यार मैं इस झंझट में ही नहीं पड़ता हूं कि मुझे पॉजिटिव नेगेटिव स्पेसिफाई करना मतलब स्टार्ट स्टॉप स्पेसिफाई करना है क्योंकि स्टार्ट स्टॉप अगर मैं स्पेसिफाई करने के चक्कर में पड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी ठीक है पता चले एम्प्टी लिस्ट मिल जाए तो बेटर क्या है वो ही मत करो तो आप कॉलिंग का यूज करो उसको डिफॉल्ट वैल्यूज छोड़ दो और स्किप छोड़ दे दो नेगेटिव का ठीक है मतलब मैं मैं रिवर्स लिस्ट अगर मुझे प्रिंट करनी है है तो मैं सिंपल सी बात पता क्या करूंगा ठीक है तो यहां मैं डालता हूं रिवर्स लिस्ट ठीक है तो रिवर्स लिस्ट मुझे कभी भी प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूंगा मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा इसको झंझट में ही नहीं पड़ूंगा और स्किप डाल दूंगा माइनस वन का तो होगा क्या यहाँ बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की आपकी वैल्यू क्या ले ली जाएगी अभी यहाँ वैल्यू ले ली जाएगी लास्ट वाली, क्योंकि वो क्या करेगा एट नाइन फिफ्टी से शुरुआत करेगा और लास्ट फिफ्टी तक आएगा मतलब फिफ्टी प्लस वन मतलब यहां तक जाएगा ठीक है और ये क्या करेगा ये आपकी सारी एलिमेंट नेगेटिव ट्रैवर्स करके प्रिंट कर देगा तो आप इसका यूज कर सकते हो फॉर प्रिंटिंग द नेगेटिव वैल्यूज लेट्स सी तो देखो सही so, नेगेटिव वैल्यू नहीं रिवर्स वैल्यूज सो नाइन फिफ्टी से शुरुआत करके एट फिफ्टी सेवन फिफ्टी सिक्स फिफ्टी फाइव फिफ्टी फोर फिफ्टी थ्री फिफ्टी टू फिफ्टी वन फिफ्टी एंड फिफ्टी आगे अब इसी चीज को आप चाहते अगर आप चाहते तो बिल्कुल आप इसको इस तरीके से प्रिंट कर सकते थे इफ यू वॉन्टेड आप बिल्कुल क्या कर सकते थे आप लास्ट वैल्यू स्पेसिफाई करते ठीक है मतलब माइनस वन स्पेसीफाई करते यहाँ पे और माइनस इलेवन स्पेसिफाई करते यहाँ पर पे है ना मतलब स्टॉप जो माइनस इलेवन कर देते तो मैं क्या कर सकता था मैं कर सकता था माइनस वन ठीक है सॉरी माइनस वन और माइनस इलेवन स्पेसिफाई कर सकता था और माइनस वन का क्या देता परफेक्टली रन हो जाता ठीक है वही नेगेटिव वैल्यू मतलब रिवर्स में प्रिंट हो गया पर मैं क्यों पढ़ू झंझट में लेंथ के चक झंझट में जब मुझे पता है कि मैं सिंपली ब्लैंक छोड़ के इसको रिवर्स कर सकता हूं तो ब्लैंक रिवर्स कर दीजिए तो या प्रेवर्सिंग में कर सकते अगर आप रिवर्सिंग चाहो तो आप वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हो ऑल पर ये आइडिया दे देता हूँ ठीक है आप बिल्कुल वैल्यूज चेंज कर सकते हो कैसे देखो तो सपोज अगर आपके पास एक लिस्ट है अच्छा, इनको कमेंट आउट कर दूंगा एक नई लिस्ट बनाने वाला मैं इसको कमेंट आउट कर दिया और एक नई लिस्ट बनाने वाला हूँ विच इज एल इज इक्वल टू ठीक है और यहाँ में डालने वाला हूँ सपोज वन कॉमा टू ठीक है अब मैं इस लिस्ट को चेंज कर सकता हूँ ठीक है कैसे चेंज कर सकता हूँ तो मैं यहाँ स्पेसिफाई कर सकता हूँ एल ऑफ जीरो से टू तक चेंज मार दो कहाँ किस चीज में सपोज अब मैं वैल्यूज आना चाहता हूँ तो मैं एक ट्रेबल ऑब्जेक्ट यहाँ दे दूंगा जीरो कॉमा ठीक है तो एक लिस्ट मैंने पास कर दी इसको तो अब ये चेंज हो जाएगा देखो है ना ये चेंज हो जाएगा चेंज हो गया परफेक्टली चेंज हो गया अब प्रिंट करो एल को ठीक है एल को प्रिंट करो सो so, प्रिंट करो एल को भाई प्रिंट एल एल प्रिंट करने पर लेट्स सी तो जब एल प्रिंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई जीरो वन मिल जाएगा यहाँ पे तो चेंजिंग इज अलाउड ऑल दिस चेंजिंग पे हम डिटेल आगे देखेंगे लिस्ट आर म्यूटेबल उसमें सिंगल वैल्यू को भी चेंज करने का सारी पॉसिबिलिटीज आपको दिखाऊंगा और उसमें भी आगे बहुत पॉसिबिलिटीज़ है वो सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो आपको चिंता नहीं करनी ये सब वैल्यूज हम मतलब ये सब पॉसिबिलिटीज हम आगे देखने वाले हैं बट आई होप ये जो आपको स्टेप वाला पार्ट है ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेप में आप कैसे चेंजेस कर सकते हो तो ये दो वीडियोज के इस वाला और इससे पहले वाले सारे पार्ट देख के तो दोनों पार्ट देख के स्लाइसिंग uh, का आपको क्लियर कट आइडिया पड़ गया होगा कि स्लाइसिंग आप किस किस तरीके से क्या क्या पॉसिबिल प्रॉबिलिटीज कर सकते हो बहुत डिटेल में सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी है प्रैक्टिकली तो गड़बड़ मत करना भाई अब पेपर में ठीक है चलो अब चलते ऑल तो हमारी वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई चलते अपने स्लाइड्स पर वीडियो करते हैं कंप्लीट ठीक है चलिए आई होप गाइस कि इस वीडियो के बाद आपको स्लाइसिंग कंफर्म पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा राइट right? दोनों पार्ट पार्ट वन पार्ट टू में हमने स्लाइसिंग को डिटेल में कवर कर लिया है ठीक है जितना पॉसिबिलिटीज है स्लाइसिंग से रिलेटेड वो सब बता दी है अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए स्लाइसिंग से जो आपसे ना बने ठीक है सारे क्वेश्चन अब बनने चाहिए स्लाइसिंग में आई एक्सपेक्ट दैट ठीक है सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दी है ठीक है तो उस चीजों का ध्यान रखना ठीक है चलो तो ये वीडियो यही तक था जिसमें हमने स्लाइसिंग कवर कर लिया अब आगे आने वाली वीडियोज में हम और ऑपरेशन देखेंगे लेस रिलेटेड ठीक है नेक्स्ट चलते हैं इसमें तो नेक्स्ट है यार हमारी वेबसाइट दैट इज मागनेर बेन्स डॉट कॉम तो गूगल पे आपको टाइप करना है बेंस डॉट कॉम जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहां लैंड कर जाओगे हमारा होम पेज है यहां सारी क्लासेस लिस्टेड है क्लास इलेवंथ पे क्लिक करोगे तो क्लास इलेवंथ के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे कंप्यूटर साइंस सर्च करो वॉच नाउ पे क्लिक करो तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे तो उस वीडियो वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें आपके पास प्ले पॉज का आगे पीछे का स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सारे होंगे जो यूट्यूब पे होते हैं और दो यहाँ कुछ स्पेशल चीजें ये हैं कि यार यहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है एड वगैरह आते हैं उसे डिस्ट्रैक्शन बहुत है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है साथ में यहाँ पे हर चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज है यूट्यूब पे थोड़ी लिमिटेशन से यूट्यूब ऑफर करता है और तो हमने पूरी कोशिश करिए कि हम अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करें पर लिमिटेशन है यहाँ वो सब लिमिटेशन ब्रेक्ड है मतलब बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज है यहाँ पे चीज़ें और सबसे अच्छी बात तीसरी ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है ये सब चीज आपको फ्री में मिल रही है बाकी प्लेटफॉर्म की तरीके से नहीं है एक बार विजिट करो फायदा उठाओ यार इसका और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना ठीक है और गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है अगर आप हर रोज हमसे कुछ नया सीखते हैं अगर आपको एग्जाम में हेल्प हो रही है हमारी वजह से तो हमारे साथ यानी कि माइन का जुड़े रहिए बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडर गार्डन के क्लास ट्वेल्थ तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप ही इसी तरीके से बने रहेंगे राइट मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच